अनुभूति हमें होती है। तो आपने हमें यहाँ पर बुलाया, उसके लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक आभार अभिनंदन। दो तीन बिंदुओं पे मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगी। जब समाज के लोग यहाँ पे एकत्रित हैं और एक प्लेटफॉर्म मुझे मिला है, तो सबसे पहली बात मैं पर्यावरण संबंधी करना चाहूंगी। ये जो जिला है उसमें आप लोगों ने हर जगह देखा होगा कि धुआं उगलती चिमनियां आपको दिखाई देती है। विश्नोई समाज की एक अनूठी जो पहचान बनी है वो पर्यावरण के प्रति हमारा जो डेडिकेशन है, जो हमारा योगदान है, उसको लेकर के बनी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी एक अनूठी पहचान है। तो क्या हम लोग यहाँ पर एक ऐसा प्रयास नहीं कर सकते कि इन सब उद्योगों के बीच में कोई ऐसा मंजर हम स्थापित करें जहाँ पर शुद्ध प्राणवायु और हरियाली हमें दिखाई दे? ऐसा संभव है। और पटवारी जी भी हमारे बीच में बैठे हैं और काफ़ी ये इस चीज़ को लेकर के पॉजिटिव भी हैं। तो आप सभी लोग मिलकर के प्रयास करें इस दिशा में, और प्रयास यदि हम करते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है। तो आप इस दिशा में, मेरी आपसे सभी लोगों से अपील रहेगी कि आप एक ऐसा प्रयास करके और एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण यहाँ पर सेट करने का पूरा प्रयास करें। शिक्षा संबंधी रहेगा। आज भी यदि हम देखें, हालांकि अभी हमारे समाज के काफ़ी बच्चे बच्चियां आगे आ रहे हैं, लेकिन बाकी समाजों से अगर कंपैरिजन करें तो आज भी शिक्षा का प्रतिशत हमारे समाज में बहुत कम है। आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं। आज का ये जो युग है उसमें शिक्षा की बहुत ही अहम भूमिका है। तो यहाँ पर जैसा मैंने ऑब्जर्व किया है, कोई भी ऐसा समाज को डेडिकेटेड लाइब्रेरी, पुस्तकालय ऐसा कुछ नहीं है। आप सभी लोग जो समाज के हैं वो आगे आएं, बच्चों को एक फैसिलिटी प्रोवाइड करें ताकि उन्हें आगे कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी हो या कुछ भी हो, तो उस सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड बुक्स उनको एक जगह पे अवेलेबल हो जाएं। तो इस दिशा में भी प्रयास किया जाना प्रस्तावित है। और आप लोगों को मेरी तरफ से इसमें कोई भी सहयोग की अगर गुंजाइश हो तो मैं हमेशा तैयार हूँ, लेकिन बच्चों को आप ज़रूर आगे लाएं। यहाँ के बच्चे, यहाँ पे वैसे पढ़ाई के लेकर के बच्चों में रुझान थोड़ा सा कम है, जैसा मैंने ऑब्जर्व किया है। नशे की तरफ और दूसरे जो गलत एक्टिविटीज़ हैं उनमें बच्चे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। तो अगर आप लोग कोई एग्जाम्पल यहीं से, आप लोगों के बीच में से निकल करके अगर कोई उदाहरण यहाँ पर बन सकता है तो उससे बच्चे ज़्यादा प्रेरित होंगे। तो आप प्रयास करें कि इस दिशा में कोई लाइब्रेरी इस्टेब्लिश करें, और लाइब्रेरी में भी ऐसा कुछ सिस्टम हो कि बच्चा ऑनलाइन एजुकेशन जो है उसको भी एक्सेस कर सके। तो इसके लिए भी आप प्रयास करें, प्रशासन हमेशा इसके लिए आपके साथ है। अब तीसरी, चूँकि यहाँ पर कथावाचन चल रहा है तो बात हम करेंगे अध्यात्म की। आज जो ये भागदौड़ भरी जिंदगी है उसमें कहीं ना कहीं मनुष्य का खुद से जो नाता है वो टूटता जा रहा है। हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं होता है कि हम खुद को जाने, खुद को पहचाने। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे स्वामी जी का भी अपना यूट्यूब चैनल है, फ्री वक्त निकलता है तो हम 10-15 मिनट उसमें सुन लेते हैं जो भी कथा वचन कहीं पर भी लाइव चल रहा होता है, या फिर पहले के जो भी रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं उनको देखते हैं। तो एक उसका चिंतन मनन करने पर एक सुखद अनुभूति होती है और हम खुद से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। आज के इस दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि हम खुद से भी जुड़े रहें। यह हमें मानसिक रूप से स्ट्रांग बनाता है। तो आप लोग भी अध्यात्म से आप समय निकाल करके यहाँ पर आए हैं, इस पर चिंतन करें, जो भी बातें आपको बताई जाती है उन पर मनन करें। अध्यात्म का आज के दौर में महत्व बहुत बड़ा है और आगे भी ये बढ़ता रहेगा। दूसरी चीज़ है योग। हमारे प्राचीन काल से योग अभ्यास जो है उसका बहुत महत्व रहा है, और आज भी जैसा हम प्रशासन में देखते हैं हर घंटे ऐसी कोई समस्या आ जाती है कि थोड़ा सा मानसिक रूप से हम विचलित हो जाते हैं, तो उस समय पर आंखें बंद करके 2 मिनट लंबी सांस लेते हैं तो फिर से हम तरोताज़ा महसूस करने लगते हैं। तो आप लोग भी योग जो है उसको अपनी ज़िंदगी का अभिन्न अंग बनाएं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अलग से कोई टाइम स्लॉट निर्धारित करें या कुछ भी। आप जब भी आपको लगता है कि थोड़ा सा फ्री टाइम आपके पास है तो आप उसी समय योग रिलेटेड कोई वीडियो देख करके उसको प्रैक्टिस करें। इससे आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे
और ये आज के समय की रिक्वायरमेंट भी है, आवश्यकता भी है कि मनुष्य जो है वो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहता है, तो उस चीज़ से उबरने के लिए योग बहुत अच्छी चीज़ है और आप लोगों को इसे प्रैक्टिस करना चाहिए। हालांकि काफ़ी लोगों को मैंने देखा भी है कि वो अर्ली इन द मॉर्निंग उठ करके योगा की प्रैक्टिस करते हैं, तो आप सभी लोग जो बड़े बुजुर्ग किसी भी एज ग्रुप के आप हों तो योग ज़रूर आप प्रैक्टिस करें। और सच्चिदानंद जी के बारे में ये मैं कहना चाहूँगी कि ये हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, और एक समय था जब स्वामी विवेकानंद जी ने जो है पूरे भारत को शिकागो में रिप्रेजेंट किया था, तो हमारा ये रहेगा और हम आशा भी करते हैं कि हमारे समाज का रिप्रेजेंटेशन ये अंतर्राष्ट्रीय पटल पर करें और जो हमारे समाज की एक पहचान है उसे वो और आगे बढ़ाएं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद एसडी महोदय। अभी एक मिनट के लिए समय लेंगे मान सम्मान के लिए। प्रतीक चिन्ह के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती प्रेमा देवी व डॉक्टर बिंदिया चौधरी व पूनम जी से, और प्रधान जी से अनुरोध करूंगा उन्हें प्रतीक चिन्ह देकर थोड़ा सा जोरदार तालियां बजनी चाहिए। एक मिनट के लिए और एसडीएम महोदय डॉक्टर बीदिया चौधरी, मैंने पहले भी कहा था एक बड़ी शख्सियत और इनकी पंचायत में बिल्कुल अपने पड़ोस में जैतसर और हमारे डाबला के बीच में पंचायत पड़ रही है। जब एक बार इन्हें देखोगे जाकर के उस पंचायत में, मैं इन्वाइट करता हूँ इनकी तरफ से सभी को जाकर के उस पंचायत का देखें, तो उन्हीं के अधीनस्थ एसडीएम महोदय के विजन अग्रीमेंट पर पड़ती है। तो मैं एसडीएम महोदय से कहूँगा कि ऐसे महान सरपंच के लिए भी बिल्कुल वो एक आदर्श एक चीज एक बड़ा जोरदार तालियां। चिकित्सा संबंधी सेवाओं के लिए जैसल में भी श्रीमती प्रेमा देवी जी है जो रात दिन मेहनत करके अस्पताल में, जैसे आप पहले विजयनगर में जूझ गए वैसे यही जूझ रहे हैं, लेकिन हमारी प्रेमा देवी जी हमेशा सुबह से शाम तक सेवा देती है अपने हॉस्पिटल में। तो मैं डॉक्टर बीदिया चौधरी जी और प्रियंका जी एसडीएम महोदय से कहूंगा कि उन्हें भी मान सम्मान देकर के इनकी ड्यूटी भी जैसल में जोरदार तालियां। अब मैं डॉक्टर बी के चौधरी से अनुरोध करूँ, धन्यवाद एस डी महोदय अपने निर्धारित स्थान पर ग्रहण करेंगे, और डॉक्टर बी के चौधरी से अनुरोध करूँगा, धन्यवाद सर, दो सवाल।